dear parents, and very good afternoon, dear children. Today it's day to solve the sums in exercise number 2.1, class 6, subject mathematics. कल हमने इसमें examples solve किए थे इस chapter 2 में, और आज हम exercise 2.1 का solutions देखेंगे. और यहाँ मैंने सामने जो ये स्क्रीन खोल रखी है, ये वेबसाइट पे एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस हैं, जबकि एक्सरसाइज 2.1 का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप वहाँ से एक्सरसाइज देख लीजिएगा, और यहाँ पर एक्सरसाइज भी है और उसके सॉल्यूशंस भी हैं. तो चलिए शुरू करते हैं सोल्व करनी एक्सरसाइज 2.1. तो ये जो है, ये वेबसाइट है जिस पर ये सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. आप ये यहाँ देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 बाय यूटी ट्यूटोरियल्स क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 2. सम नंबर 1 है, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999 के बाद हमने 3 नेचुरल नंबर्स बताने हैं, लिखने हैं, जिसमें पहला आएगा उसमें 10,999 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 11,000. फिर 11,000 में 1 ऐड कर देंगे, 11,001 आ जाएगा. फिर 11,001 में 1 ऐड कर देंगे तो 11,002 आ जाएगा. तो ये हो गए हमारे 3 नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स. सम नंबर 2 है, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001 से बिल्कुल पहले के 3 नंबर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. तो पहले अगर लिखने होते हैं तो 111 ऐड करने की बजाय हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे 10,001 में से 1 ऐड करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 10,000 आ जाएगा. 10,000 में से 1 माइनस करेंगे तो 9,999 आ जाएगा, और 9,999 में से 1 माइनस करेंगे तो 9,998 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये 3 नंबर्स आ गए बिल्कुल 10,001 से पहले वाले. सम नंबर 3, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है, आप जानते हैं कल हमने डिस्कस किया था कि 0 to नेक्स्ट जो नंबर्स होते हैं, 0 से लेके आगे जो बढ़ते जाते हैं, वो सारे होल नंबर्स होते हैं. तो 0 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है. नंबर 4, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 and 53. 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे? तो इसका सॉल्यूशन हम जो है, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में यहाँ बता रखा है लिख के, द होल नंबर्स बिटवीन 32 and 53 कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर नंबर दैट इज़ 32 फ्रॉम लार्जर नंबर 53 एंड वन मोर. हम 53 में से 32 माइनस कर देंगे, और फिर उसमें से 1 और माइनस करना है यहाँ पे, तब ये हमारे नंबर्स आएंगे जो 20. तो ये हम कह सकते हैं कि 32 और 53 के बीच में 20 होल नंबर्स आएंगे. सम नंबर 5, राइट द सक्सेसर ऑफ, इन सब के आपको सक्सेसर बताने हैं. सक्सेसर मीन्स ए का ये नंबर है, बी में ये नंबर है, सी में ये है, और डी में ये नंबर है. तो सक्सेसर का मतलब होता है 1, 1 आप ऐड करते जाएंगे तो आपके पास सक्सेसर आ जाएगा. सक्सेसर होता है बाद में आने वाला, और प्रेडिसेसर होता है पहले आने वाला. तो बाद में आने वाला हमने निकालना है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये नेक्स्ट नंबर आ जाएगा. बी में ये 1 ऐड कर देंगे, ये नेक्स्ट नंबर आ जाएगा. सी में ऐड कर देंगे तो ये नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, और डी में ये ऐड कर देंगे तो ये नेक्स्ट नंबर आ जाएगा. नेक्स्ट है सम नंबर 6. इसमें बताने हैं हमने प्रेडिकेट. ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें हमको प्रेडिकेट बताने हैं, प्रेडिसेसर बताने हैं. मैं इंग्लिश का बोल गई थी. प्रेडिसेसर जो है वो पहले वाला होता है, एक पहले वाला. तो एक एक नंबर माइनस कर देंगे तो यहाँ प्रेडिसेसर आ जाएगा. इसमें ये 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ प्रेडिसेसर आ जाएगा. यहाँ माइनस 1 कर देंगे तो ये प्रेडिसेसर आ जाएगा, और यहाँ माइनस 1 कर देंगे तो ये प्रेडिसेसर आ जाएगा.
तो ये हमारे हो गए 1 to 6 सम्स। आगे जो सेवन्थ सम है इसी एक्सरसाइज का, वो है इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर्स इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। नंबर लाइन पे जो नंबर्स लिखे होते हैं तो लेफ्ट में कौन सा आएगा, राइट में कौन सा आएगा, ये आपको पता है कि हम अगर इधर बढ़ते जाते हैं राइट को तो नंबर बड़ा होता जाता है, अगर हम इधर बढ़ते जाते हैं लेफ़्ट की तरफ तो नंबर छोटा होता जाता है, लेफ़्ट की तरफ छोटा आता है नंबर। तो हमें बताने हैं कि ये एक पेयर दिया हुआ है आपको 530, 503, इसमें से लेफ़्ट साइड पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, मतलब छोटा कौन सा है, 530 छोटा है या 503 छोटा है। तो यहाँ से आपको शायद समझ में आ गया होगा कि 503 ये छोटा है, स्मॉलर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन शुरू होता है कि ये पेयर जो है इस पेयर में से लेफ़्ट साइड पे आएगा 503, और ये हम इसको लिखेंगे ऐसे 503, ये साइन जो होता है ये लेस देन का होता है, 503 लेस देन 530, इस तरह से बी में आएगा 307 इज लेस देन 370, इसी तरह से सी में आएगा 56,789 इज लेस देन 98,765, इसी तरह से डी में आएगा, डी में तो डिजिट्स ही अलग अलग हैं, इसमें 7 डिजिट्स हैं और इस नंबर में 8 डिजिट्स हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर है कि 7 डिजिट्स वाला वो स्मॉलर है, तो इसीलिए ये जो नंबर है ये 8 डिजिट्स का है तो ये बड़ा है और ये स्मॉलर है, राइट। इसीलिए हम ये लिखेंगे यहाँ पे, ये दिस वन इज़ लेस देन दिस नंबर। अब है सम नंबर 8, सम नंबर 8 में आपको ट्रू और फॉल्स बतानी है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं उसमें से आपको ट्रू या फॉल्स बतानी है। तो ए नंबर पे जो है वो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, पहला है आपसे आपको स्टेटमेंट दी गई है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 0 नहीं होता है, नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट जो होता है वो 1 होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब बी पे दी गई है 400 इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ 399, 399 का प्रेडिसेसर मतलब पहले आने वाला नंबर जो है वो 400 है, 400 नहीं होता, 398 होता है पहले आने वाला, तो इसीलिए ये फॉल्स है। सी है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, हाँ होल नंबर जो सबसे छोटा होता है वो 0 ही होता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट डी 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599, जी हाँ बिल्कुल राइट है, ट्रू है, 599 का सक्सेसर मतलब बाद में आने वाला 600 ही होता है, ये ट्रू है। अब ई देखिएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, जी हाँ होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, इसीलिए नेचुरल नंबर जो हैं वो सभी होल नंबर्स होते हैं, ये ट्रू है। नेक्स्ट है एफ, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नहीं होते हैं क्योंकि होल नंबर्स में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 1 आता है। तो ये एफ जो है ये फॉल्स है। जी द प्रेडिसेसर ऑफ ए 2-digit नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर, मतलब 2-digit नंबर का प्रेडिसेसर हमेशा सिंगल डिजिट नंबर होता है, जी नहीं 10 2-digit नंबर है लेकिन उसका प्रेडिसेसर 9 होता है वो तो ठीक है, लेकिन जो 99 भी 2-digit नंबर है और उसका प्रेडिसेसर जो है वो 2-digit होता है, और 10 का प्रेडिसेसर जो है 9 होता है वो सिंगल डिजिट नंबर होता है, लेकिन हमेशा सिंगल डिजिट नहीं होता है क्योंकि 99 का प्रेडिसेसर 98 आएगा, वो 2-digit नंबर है और यहाँ पे ये सिंगल डिजिट स्टेटमेंट में दे रखा है, इसीलिए ये फॉल्स है। H 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 1 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, नो 1 इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सो इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट I, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, यस नेचुरल नंबर
जो होता है वन, उसका प्रेडिसेसर कोई नहीं होता क्योंकि नेचुरल नंबर वन से ही शुरू होते हैं। जे, द होल नंबर हैज़ नो प्रेडिसेसर, द होल नंबर वन हैड, सॉरी, द होल नंबर वन हैज़ नो प्रेडिसेसर, वन का जो है वो प्रेडिसेसर नहीं होता होल नंबर का। यस, होल नंबर का, होल नंबर वन का प्रेडिसेसर नहीं, होल नंबर वन का प्रेडिसेसर ज़ीरो होता है, होल नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं, इसका प्रेडिसेसर वन होता है, लेकिन यहाँ लिखा है नो प्रेडिसेसर, इसीलिए ये फॉल्स है। के, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, होल नंबर 13 जो है 11 एंड 12 के बीच में आता है। जी नहीं, 11 एंड 12 के बाद में आता है, बीच में नहीं आता, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। एल, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर, 0 होल नंबर जो होता है उसका प्रेडिसेसर नहीं होता। यस, इट इज़ राइट, उससे पहले कोई होल नंबर नहीं होता। एम, द सक्सेसर ऑफ ए 2-digit number इज ऑलवेज ए 2-digit number, 2-digit number का सक्सेसर मतलब बाद में आने वाला नंबर हमेशा 2-digit होता है। 10 जो स्मॉलेस्ट 2-digit number है उसका सक्सेसर 11 होता है, ये तो ठीक है, लेकिन 2-digit number जो लार्जेस्ट होता है वो 99 होता है, लेकिन उसका सक्सेसर 100 होता है जिसमें 3-digit होते हैं और वो 2-digit नहीं होता, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो ये 8th लास्ट सम है इसका, इस एक्सरसाइज का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और समझ में सुनने से नहीं आता, अगर आप इसको खुद लिख के देखेंगे, पढ़ के देखेंगे और करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसीलिए आप इसको अपने आप करके देखिए नोटबुक पे, पेन पे, और एक्सरसाइज़ जो है वो इस लिंक में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप एक्सरसाइज़ देख लीजिएगा जहाँ पे सॉल्यूशन साथ नहीं दिए हुए, इसीलिए आप करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कभी भी नहीं भूलेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, सी यू सून, सी यू नेक्स्ट, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।